झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। देवघर के पर्यटक स्थल पर नदन पहाड़ के लिए अकेले ही बिना सुरक्षा घेरे के निकल गए। पहले उन्होंने कसरत किया और उसके बाद स्लम इलाकों में लोगों का हालचाल जाना। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वो साधारण व्यक्ति हैं और आज मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आम लोगों की तरफ व्यवहार लोगों को भी भा रहा है। बादल पत्रलेख बिना तामझाम के आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से संपर्क बना रहे हैं। कृषि मंत्री देवघर के उन गलियों में भी गए जहां उनका बचपन बीता था। उन्होंने कहा कि वो फकीर हैं और मंत्री बन जाने के बावजूद भी उनकी जमीनी हकीकत नहीं भूले हैं। मॉर्निंग वॉक, आप ये कह लीजिए कि कुछ पुरानी यादें हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा, बहुत लोगों का योगदान है। कुछ दोस्त जो ये समझ रहे थे कि हम भूल गए हैं व्यस्तताओं के बीच, मैं उनके भावनाओं को जगाने आया था, मंत्री के रूप में नहीं, वही बादल भैया के रूप में जो पहले भी यहाँ घुमा करता था कॉलेज डे में, स्कूल डे में, उन यादों को ताज़ा करते हुए शहर के हाल चाल, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन जो हम रांची में बैठ के चला रहे हैं, वो देवघर की गलियों तक पहुंच के, गांव की गलियों तक पहुंच के उस अनुसार चल रही है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, इन सब चीज़ों की गप सप में ही हालचाल हम ले लेते हैं, मिजाज जान लेते हैं कि हम जो ऊपर बैठ के नीतियां बना रहे हैं, ये पदाधिकारी हमें जो ब्रीफ करते हैं, जनता का उसमें क्या कमेंट है। दरअसल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हाजी हुसैन अंसारी के सपुत्र एक खाक में शामिल होने आए थे। देवघर आए तो आम लोगों से मिलने निकल पड़े। बहरहाल बादल पत्रलेख ने सादगी के पैमाने पर अपनी जगह बनाई है, बिना गाड़ी के काफिले और सुरक्षा तामझाम के बिना रहते हैं। लोगों को उम्मीद है कि बादल पत्रलेख की सादगी हमेशा यूं ही बनी रहेगी और वो लोगों के सुख दुख का हमदर्द बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।